नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है और खासकर जो इस समय एक और टूल किट आज आया है, उस टूल किट को लेके अलग अलग दावे हैं। सरकार का कुछ और कहना है, अपोजिशन का कुछ और कहना है। सरकार का आरोप है कि अपोजिशन ने एक रणनीति के तहत देश को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा का ही एक प्रचार का दाव बताया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस केस में एफआईआर दर्ज करने की बात की है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा से पहले आपको आज एक अच्छी खबर से इसकी शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और हम सब भगवान बद्रीनाथ से दुआ करते हैं कि ये जो संकट आया है, ये संकट हम सब का पूरी दुनिया से ये संकट उभरे और सबको शांति मिले, सबके दुख दूर हो और देश दोबारा से फिर प्रोग्रेस करे। तो मैं भगवान बद्रीनाथ जी से सबके लिए दुआ मांगता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये देश शांति और सबल बने। टूल किट की हम बात कर रहे हैं। आज भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है और वो टूल किट, उसी टूल किट के बेस पे पूरा जो प्रचार तंत्र चल रहा है, और उस प्रचार तंत्र के बाकायदा उन्होंने एक एक पॉइंट करके बताया कि कैसे कांग्रेस ने एक स्कीम बनाई कि पहले क्या करना है, फिर कैसे उसका प्रचार करवाना है, फिर मीडिया का इस्तेमाल करना है, कैसे ट्वीट करना है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा सके और फिर देश को बदनाम किया जा सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिशन भूल जाता है कि जब हम अगर विरोध कर रहे होते किसी व्यक्ति का, तो उसका विरोध करते करते हम देश का विरोध करने लगते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद से लगातार ऐसी कुछ घटनाएं ऐसे घटी थी कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। तो वो जब रैली करते थे तो उन्होंने कई बार कहा कि दिल्ली हमारा जो देश है वो रेप कैपिटल होगी। तो उस समय शायद चूंकि वो लीडर अपोजिशन थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो तब उनको उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी इस कथन में देश की कैसे छवि जा रही है कि देश बदनाम हो रहा है, कि यहाँ रेप कैपिटल है। ऐसे ही इस समय जब राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कभी कभी विरोध करते करते भूल जाते हैं कि वो देश का विरोध करने लगे हैं। जैसे जिस समय हमारी सेना ने, वायुसेना ने बालाकोट पर हमले किए थे और वहां के जो आतंकवादी थे उनको उड़ाया था, तो राहुल गांधी ने प्रूफ मांगे थे। अब देखिए कि हमारी सेना पर अविश्वास प्रकट किया गया। ये सेना किसी सरकार की तो नहीं है, ये तो हम सबकी है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी, तो सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उठाया और उनके ट्वीट को आधार बना के पाकिस्तान में खूब प्रचारित किया गया कि हिंदुस्तान के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे कई मौका है, जैसे कि हमारे सैनिकों पर चीन ने पूर्वी लद्दाख में जब हमला किया और हम बार बार कहते थे कि हमने चीन को भगा दिया है, हमारी सेना ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है, तो तब भी राहुल गांधी ने बार बार इसकी सफाई मांगी और बार बार कहा कि चीन ने हमारी जगह हड़प ली है, हमारी सेना को भगा दिया वहां से, इस तरह के। तो वो ये भूल गए कि चीन उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनको ट्वीट को दिखा रहा है कि आपके प्रधानमंत्री का, आपकी सरकार का, आपके अपोजिशन लीडर ही सम्मान नहीं कर रहे। तो जब हम विरोध करते हैं, विरोध करना लोकतंत्र की खूबी होती है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसका विरोध हो, उसकी नीतियों का विरोध हो, उसकी कमियों को उजागर किया जा सके ताकि सरकार उन कमियों को पूरा कर सके, उन कमियों को दूर कर सके। तो आज जो संबित पात्रा ने एक टूल किट जारी किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक स्कीम बनाई है और उसके पॉइंट वाइज कि कैसे कैसे इसको हम पूरा करेंगे। जैसे मैं आपको ये मैंने जब आपको इसका
वो दिखाया है, ये जो पॉइंट है कांग्रेस के, कि सबसे पहले जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तो सेंट्रल विस्टा में बहुत दिनों से इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इसमें संकट है, तो उसको ऐसा अटैक करो कि ये मोदी का घर है, पर्सनल मोदी का है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे फिर ये चीजें आई मार्केट में, लगातार इस तरह की चीजें आई, ट्वीट हुई, मीडिया में भी खबरें छपी। तो बीजेपी का दावा है कि ये उसका एक हिस्सा है। दूसरा उसमें पॉइंट था कि यूज इंडियन स्ट्रेन, ये जो अभी भारत में जो दूसरी लहर आई है, इसमें 17 तरीके के स्ट्रेन है, मतलब इसके जो रूप हैं कोरोना के, वो 17 तरीके के हैं, और उस तरीके को इंडियन स्ट्रेन कहा गया उसको। और WHO ने बिल्कुल मना किया कि आपको उसको इंडियन किसी देश का नाम नहीं देना है, एक ही स्ट्रेन आया है, एक ही वायरस आया है, नए किस्म का है, जो 17 देशों में फैल गया है। तो WHO ने तो मना कर दिया, उसके बावजूद इसको कांग्रेस ने खूब प्रचार किया, और ये फिर जो टूल किट है उसमें कहा गया कि इसको किसी तरह से सरकार को इसमें बदनाम करते रहो। तो इसमें हमें फिर इसमें कहा गया कि जो कुंभ मेला है वो सुपर स्प्रेडर है, यानी कुंभ के कारण कोरोना फैला, बहुत तेजी से फैला। तो इसमें भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खबरें छपेगी। और ऐसे ही कहा गया कि गुजरात को टारगेट करो, तो गुजरात को टारगेट किया गया। उसमें ये भी कहा गया कि जो विदेशी पत्रकार हैं और जो हिंदुस्तान के पत्रकार जो विदेशी अखबारों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसा मटेरियल दो कि वो इस देश को बदनाम कर सके। तो ऐसा हो, जो सीक्वेंस है वो लगभग इसी तरफ जा रहा है, हालांकि ये संयोग भी हो सकता है। अब उसमें थोड़ा सा हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि जो टूल किट है, जो सबसे पहले बीजेपी का आरोप जो है उसको हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पात्रा ने यह कहा कि कांग्रेस की गिद्ध राजनीति है, कि गिद्ध को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वो इंतजार करता है कि कोई मरे तो फिर उसका भोजन हो। तो वो कहता है कि ये गिद्ध की राजनीति है, देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और जब ये किसान आंदोलन हुआ था, अगर आपको याद हो, तो किसान आंदोलन में भी बिल्कुल इसी तरह का ही एक टूल किट आया था, और जिसमें दुनिया भर के जो सम्मानित लोग हैं उनसे ट्वीट कराया गया था, और जिसमें ग्रेटा थनबर्ग हैं, स्विट्जरलैंड की जो क्लाइमेट चेंज कार्यकर्ता है, उसके बाद कुछ जो हॉलीवुड की हीरोइन है उनसे भी कराया गया, और कुछ लोगों ने इसको एक बड़ा बहुत बड़ा इशू बना के कैसे हिंदुस्तान में किसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो इसमें छवि खराब करने की कोशिश की गई। पात्रा ने कहा कि कोरोना से जो नया स्ट्रेन आया है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय स्ट्रेन कहने से मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस उसे इंडियन स्ट्रेन और उससे भी आगे बढ़कर मोदी स्ट्रेन के नाम से प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद है, कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित करने और बदनाम करने के लिए एक वायरस को भारत के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की चेष्टा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के असली चेहरा को दर्शाता है, भाजपा प्रवक्ता ने कहा। आज वह दस्तावेज उनके हाथ आया है जिसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर ट्वीट करते थे, और उन्होंने दावा किया कि इस टूल किट में कहा गया प्रधानमंत्री को बार बार पत्र लिखें। और आपने देखा होगा, कभी सोनिया गांधी पत्र लिखती थी और कभी कोई दूसरा पत्र लिखता था। ये सब ऐसा ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक डिजाइन किया गया है जिसका ब्यौरा इस टूल किट में दिया गया है। पात्रा ने दावा किया कि इस टूल किट के जरिए पीएम केयर्स वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाए गए, और सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी का निजी घर के तौर पर और उनके महल के तौर पर प्रसारित किया गया। कांग्रेस की शिकायत में लिखा गया। अच्छा, फिर अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जो हम कह रहे हैं कि ये जब प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स के फंड से वेंटिलेटर्स दिए थे राज्य को, तो हाहाकार मचा, बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के कारण मर गए, हॉस्पिटलों के बाहर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और फिर खबरें आई कि कुछ जगह वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर से मिले हैं
उनको खोला तक नहीं गया है, यानी वो पैकेट में ही बंद है। ऐसे पंजाब से खबरें आई, छत्तीसगढ़ से खबरें आई, और भी स्टेट से खबरें आई। तो क्या ये साजिश का हिस्सा थी कि जो आपको जो कंसंट्रेटर दिए गए आपने उनको खोला नहीं, यानी लोगों को मरने दिया गया। क्यों मरने दिया गया? क्योंकि बदनाम कर सकें कि ये सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर रही है, और लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया। तो ये जो टूल किट आया है, क्या ये टूल किट उसका हिस्सा है? अब इसमें थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं कि जो आज कांग्रेस का टूल किट आया है, ये जो टूल किट है ये कथा कथित है। ये टूल किट हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का दावा है। कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी ने डिजाइन किया है, खुद ही कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने एक फेक डिजाइनर बनाया कांग्रेस के नाम से। तो ये दोनों में अभी पुलिस के पास मामला गया है, तो पुलिस तय करे, अगर ज्यादा जरूरत होगी तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब जो आज सतह पर है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बीजेपी का आईटी सेल है और उनके दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस पे बाकायदा जो टूल किट आया है उन्होंने उसका डिजाइन और उसके जो परिणाम आए उन दोनों पे बात की है। तो हम जैसे उन्होंने कहा कि एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो इनका जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन यूथ कांग्रेस। अब देखिए, इसमें इंडियन यूथ कांग्रेस इसमें प्रचार करे इमोशनल लोगों को। इसमें ये कहा गया, जैसे जो श्रीनिवासन है, उन्होंने कितने लोगों की मदद की? जिन भी लोगों ने मदद मांगी उन्होंने ऑक्सीजन अवेलेबल कराई, और उन्होंने पूरी भरसक कोशिश की कि लोगों की मदद हो सके। लेकिन आप इसमें बीजेपी का दावा है ऐसा कि ये इसलिए कराया गया ताकि प्रधान ये बदनाम हो सके कांग्रेस, ये सरकार के बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है। तो ये एक हिस्सा है। अब ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन जो इनका दावा ये है। दूसरा, इन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और सोशल मीडिया के जरिए, और जो यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ फ्यूनरल डेड बॉडीज व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय फॉरेन मीडिया। प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने के लिए ऐसे फोटोग्राफ का इस्तेमाल करें जो फोटोग्राफ इस देश की प्रधानमंत्री छवि खराब करें। जैसे आपने देखा होगा कि गंगा में कितने सारे शव बहते हुए मिले, जो कब्रिस्तान है या जो शमशान घाट है वहां जगह नहीं मिली शवों को जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए, तो लाइन लगाई हुई थी जगह जगह, तो उनकी भी फोटो छपी, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फोटो छपी। इस तरह से सच्चाई थी इसलिए छपी, लेकिन बीजेपी ने इसको ऐसा जोड़ा है कि ये इसलिए कराया गया ताकि वो फोटो प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए किया सके। और चूंकि कांग्रेस के टूल किट में ये सब बातें हैं, तो ये इसको वहां से जोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस के पहले से डिजाइन किया हुआ था कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, और विदेशी मीडिया को देंगे, और विदेशी मीडिया में ऐसा हुआ। अब इसके बाद ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसके बाद जो समर्थक हैं, जो मोदी विरोधी मीडिया है, जो पत्रकार प्रधानमंत्री के खिलाफ रहता है, उसमें एक नाम है बरखा दत्त का। तो बरखा दत्त ने बड़ा एक उनका फेमस ट्वीट था, ये बरखा दत्त ने खुद ही ट्वीट किया, और कि वो शमशान घाट के बाहर बैठी हुई है, और उन्होंने लैपटॉप पे वहीं से लाइव कर रही थी कि कैसे यहाँ पे शवों का लाइन लगी हुई है, और बाद में वो खबर टाइम्स मैगजीन में छपी, और वो फोटोग्राफ भी टाइम्स मैगजीन में छपी थी। टाइम्स मैगजीन में छपना कितनी बड़ी बात है कि एक विश्व की मैगजीन जो बदनाम करे हिंदुस्तान को कि कैसे वहां पे इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये बीजेपी का कहना है कि ये जो कांग्रेस ने टूलकिट बनाया था ये उसका हिस्सा था। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, जो राणा अयूब है जो वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, उन्होंने उन्होंने राणा अयूब ने तो ये लगातार सरकार की, मोदी जी की और प्रधानमंत्री की, बीजेपी की, उनके खिलाफ लगातार ट्वीट करती हैं, और इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में केवल और केवल नेगेटिव करती हैं, और ये बाकायदा नेता बनी हुई है अपने समुदाय की, अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप की। तो
इन्होंने जो फोटोएं दी हैं, जो खबरें दी हैं, वो ऐसा लगता है कि ये भारत में नहीं रहती हैं, ये विदेश से कोई आदमी ऐसा लिख रहा है, और उन्होंने खूब खबरें लिखी। तो बीजेपी ने इसको यहां से जोड़ा है कि ये कांग्रेस का हिस्सा था, कांग्रेस के दुष्प्रचार का हिस्सा था, टोल गेट का हिस्सा थे ये, इन्होंने इस तरह से दिया। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो मीडिया को, जो इंटरनेशनल लोग थे, टारगेट पीएम केयर्स। अभी इन्होंने ये कहना है कि जो पीएम केयर्स है, कैसे उसको टारगेट किया गया और बदनाम किया गया कि पीएम, पहले इन्होंने कहा कि पीएम केयर्स को का पैसा कहीं जो है खर्च नहीं हो रहा है, और जब पीएम केयर्स का पैसा खर्च हुआ, प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद के राज्यों को दिए, वेंटिलेटर्स खरीद के दिए, तो बाद में पता लगा कि वो चालू नहीं है, उनको खोला तक नहीं गया है, और फिर बदनाम करने की कोशिश की गई कि जो वेंटिलेटर्स और कंसंट्रेटर दिए गए हैं वो डिफॉल्ट, ये डिफेक्टर, वो जो है डिफेक्ट हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका ऑडिट किया जाएगा, और तब उनकी पोल खुली कि उनको तो खोला ही नहीं गया, वो जैसे पैक कंपनी ने दिए थे वैसे वैसे रखे हुए। तो ये भी इसको बीजेपी ने यहां से इसको जोड़ा है कि ये भी कांग्रेस के जो टूल किट है उसका हिस्सा है। दूसरा, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुजरात, मोदी में कम फ्रॉम गुजरात बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्ट ए नरेटिव दैट गुजरात कंटिन्यू टू गेट स्पेशल ट्रीटमेंट बाय हिम, यूज डेटा टू आर्ग्यू दैट द बायस टुवर्ड गुजरात कैन बी इजिली सीन एट एज इट गॉट द हाइस्ट सप्लाई ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन वन कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन। ये कहा गया कि ऐसा एक नैरेटिव बनाओ कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनका पूरा फोकस वो गुजरात पर है, और इसलिए उन्होंने गुजरात को ज्यादा उन्होंने वैक्सीन दिए हैं, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा वहां टीका दिए हैं, लोगों को टीकाकरण वहां ज्यादा हो रहा है, वहां ज्यादा स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात यूज टू डिस्ट्रेस ऑफ पीपुल टू बिल्ड एंगर अगेंस्ट मोदी एंड अदर स्टेट्स बिल्ड एंगर टू आर्ग्यूइंग दैट गुजरात इज गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ये भी बताओ कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें गुस्सा है कि गुजरात को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड अवॉइड शोइंग डिस्ट्रेस ऑफ पीपुल इन गुजरात आउटसाइड द स्टेट, इंस्टेड फोकस ऑन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दैट द स्टेट इज गेटिंग। ये मत दिखाओ कि गुजरात में कहीं दिक्कत है, कहीं डिस्ट्रेस है, सिर्फ ये दिखाओ कि उसे प्रेफरेंस मिल रहा है। चूज वैनिटी ओवर पीपल्स लाइव, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड 20,000 करोड़ एज पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, द कॉस्ट 20,000 करोड़ ओवर सेवरल ईयर्स, वाइल द कंट्री बैटल्स कोविड-19 पैंडेमिक, इनिशियल कंस्ट्रक्शन वर्थ ₹13,500 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड, दीज फंड्स कुड बी डाइवर्टेड टू द टैकलिंग कोविड-19 पैंडेमिक्स। इस तरह से कहो कि जो ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इस सेंट्रल विस्टा से जो पैसा 13,000 करोड़ रुपये अभी खर्च हो रहा है, उस पैसे से जो कोविड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं उनको लोग दिया जाएगा। 2 करोड़ फैमिलीज कुड बी रिसीव्ड 600 रुपया प्रतिवर्ष। ये न्याय योजना जो 2019 में लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने लॉन्च की थी, न्याय योजना कि हर परिवार को 7,500 रुपया उन्होंने देने की बात की, तो अब वो कह रहे हैं कि 6,000 रुपये दो। तो ये बात बीजेपी ने इसको वहां से कॉन्टेक्स्ट को वहां जोड़ा है। और जो इसी तरह से जो और भी मोदी के जो जो प्रोजेक्ट हैं उनको ऐसा जोड़ो कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली मोदी के पर्सनल है, ये मोदी के लिए महल बन रहा है, मोदी का पीएम हाउस। जब भी पीएम हाउस तो पीएम का होगा, क्योंकि हमेशा कोई नहीं रहता है, ना मोदी रहेंगे, ना मनमोहन सिंह रहे, ना और कोई रहेंगे, तो ये जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा वो यहाँ रहेगा। लेकिन इसका ऐसा वहां पे माहौल बनाया जा रहा है कि ये मोदी पर्सनल अपने लिए बना रहा है। तो ये
इसके बाद एक और, उसके बाद देखिए आप कि जो पेट क्यूमिंस हैं, इन्होंने अपने ट्वीट किया और वही पीएम केयर्स फंड पे इन्होंने सवाल उठाया था, और ऑक्सीजन परचेज और सप्लाई इस पे इन्होंने सवाल उठाया था। और उसके बाद अभिजीत गांगुली, ये भी विदेशी अखबार के लिए लिखते हैं, और इन्होंने भी पीएम केयर्स पे सवाल उठाया था। उसके बाद ये उमा शंकर सिंह हैं जो एनडीटीवी में काम करते हैं और कांग्रेस बीट कवर करते हैं, तो इन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो पैट क्यूमिंस हैं, इन्होंने आपदा में $50,000 देने का ऐलान किया है पीएम केयर्स में। भारतीय क्रिकेटरों ने, किसी ने इस आपदा में लोगों की मदद के लिए क्या किया? और इन्होंने सवाल उठाया कि पीएम केयर्स में दोगुना मुनासिब ना भी समझा हो तो अलग से क्या किया? अगर आपने पीएम केयर्स में देना मुनासिब भी ना समझा तो आपने क्या कहीं और दिया? देश जानना चाहता है। तो ये इन्होंने पीएम केयर्स पे सवाल उठाया था। तो पीट क्यूमिंस ने, हु इज द इंडिया इज द कंट्री आई हैव कम टू लव डेयरली ओवर द इयर्स एंड द पीपल हियर आर सम ऑफ द वार्मेस्ट एंड द काइंडेस्ट आई हैव ओवर मेट। तो इन्होंने भी बात की और फिर इन्होंने सवाल उठाया, आई हैव मेड कंट्रीब्यूशन टू द पीएम केयर्स फंड स्पेशली द परचेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई और इंडिया हॉस्पिटल्स। इन्होंने भी, उसके बाद फिर कांग्रेस ने जो डिजाइन किया है, जो बीजेपी का, ये बीजेपी का आरोप है, आईएनसी क्वेश्चन द फंड दैट वांटेड टू प्रोजेक्ट इट एंड स्कैंडल इन द आई ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो दे वॉन्टेड टू टारगेट ऑल द सेलिब्रिटीज हु केम फॉरवर्ड टू डोनेट फॉर इट्स सो दैट द पीपल लॉस देयर ट्रस्ट ऑन द फंड। इसमें ये भी एक डिजाइन किया गया कि जो भी इस फंड पीएम केयर्स में पैसा देगा उसको बदनाम करो, और ऐसा बदनाम करो कि ताकि वो पीछे हट जाए और लोगों का पीएम केयर्स फंड से विश्वास हो जाए। और ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर्स में फंड दिया था, हालांकि सरकार ने बताया नहीं कि कितना फंड आया, लेकिन बहुत मोटा फंड आया। अकेले टाटा ने ही 1500 करोड़ रुपए दिए थे, और विप्रो ने सबसे ज्यादा दिए थे, सभी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का दान किया था, और फिर पब्लिक ने भी दिए थे अपने फंड से, पेटीएम से, पेफोन से, या ऑनलाइन से लोगों ने दिए थे। और प्रधानमंत्री ने उस पैसे को खर्च भी किया हॉस्पिटलों के लिए, वेंटिलेटर के लिए, और ये पीएम केयर्स, ये जो ऑक्सीजन के लिए, और भी इन्होंने पैसे खर्च किए। लेकिन उसको ऐसा डिजाइन किया गया कि इसमें सवाल खड़े करो। अब इसको मैंने कहा कि इसको आप इसको ऐसे इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि चाहे वो संयोग है या इसको ये जो वाकई जो टूल किट बनाया था कांग्रेस ने, उसी के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए, ये मिसिंग अमित शाह, पहले जो खबर छपी कि अमित शाह कहाँ है, क्योंकि जो पेंडेमिक है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो आपदा प्रबंधन है ये गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन गृह मंत्री कहीं दिख नहीं रहे, ये इनका एक कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इन सब चीजों में कहीं इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री कहाँ है, और जयशंकर जो है क्वारंटीन हो रखे हैं, कोई नहीं दिख रहा है। और उसके बाद इस तरह से ट्वीट होना शुरू हुए, वैक्सीनेशन मिसिंग, ऑक्सीजन मिसिंग, कोविड हेल्थ केयर मिसिंग, पेशेंट डाटा मिसिंग, इम्पोर्टेड मेडिसिन मिसिंग, कोविड बॉडीज मिसिंग, नरेंद्र मोदी मिसिंग, अमित शाह मिसिंग, एम्पैथी इन गवर्नमेंट मिसिंग, ह्यूमैनिटी इन मिनिस्टर्स मिसिंग, ट्रूली आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए इसका इसका मैं आपको आगे दिखाता हूं कि इन्होंने, उसके बाद इस तरह से आउटलुक में एक बहुत बड़ी खबर छपी थी, और राणा आयुब ने उसको, जैसे मैंने कहा ना कि राणा आयुब सिर्फ ये जब से सरकार आई है उसके खिलाफ लिखती है, खूब जोर से लिखती है। इनके जितने ट्वीट हैं आप देखिए, इनको ऐसा लगता है कि ये एक पत्रकार नहीं, एक ये एक कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के हिसाब से ये काम करती हैं। और इनके, चूंकि ये वॉशिंगटन पोस्ट में काम कर सकती हैं,
करती हैं, तो वाशिंगटन पोस्ट भी ये जो भी लिखती है वो खत छपता है। अभी आउटलुक ने इस बार जो अपना कवर पेज दिया उसमें उन्होंने प्रताप भानु मेहता, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, मनोज के झा जो आरजेडी के सांसद हैं, और इस तरह से इन लोगों ने मिसिंग करके पूरा निकाला, और मिसिंग नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 7 इयर्स सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये इन्होंने आउटलुक ने दिया। अब क्या इस पे, क्या इसको डिजाइन ऐसा माने कि ये कांग्रेस का डिजाइन किया हुआ था, आउटलुक कांग्रेस के हाथ में खेला था, या आउटलुक ने अपने हिसाब से किया? देखिए, जो पिछली बार तक 2014 में जो मोदी सरकार बनी थी पहले कार्यकाल में, उसकी सबने तारीफ की, देश की जीडीपी ऊपर गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत अच्छी छवि बनी। लेकिन ये जो जब से नोटबंदी हुआ और नोटबंदी के बाद जो एक कोविड आया, कोविड के कारण सवालों के घेरे में सरकार है, जरूर है, लेकिन इस तरह से कि मिसिंग है, मिसिंग कहना मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक्टिव बहुत है। आप देखिए, रोज मीटिंग करते हैं, कभी अफसरों से मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर से उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, तो ये कहना, मिसिंग कहना मुझे लगता है अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसको आप जोड़ सकते हैं, कांग्रेस के जो टूल किट है उससे जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें जो एक फ्रेज है इन कांग्रेस टूल किट, एक्सक्यूजेस वर आस्क्ड टू यूज फ्रेज लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर एक्सेट्रा टू प्रोजेक्ट देम एज ए कैलॉस लीडर इन द आईज ऑफ द पीपल। इनसे कहा गया, लोगों से जो NSUI है उनसे कहा गया कि आप इस तरह से अपने जो उनके स्लोगन है अपने ट्विटर पे इस तरह से चलाओ कि अमित शाह लापता, जयशंकर क्वारंटाइन में है, और जो बड़े बड़े लीडर हैं उन सब के बारे में उनकी इमेज खराब करो, ताकि लोगों की नजर में उनकी इमेज खराब हो। इंडिया स्टैंड यूजिंग यूजेस बाय दी मीडिया। अब देखिए, जो स्टैंड भारत में जो दूसरी लहर है उसमें कहा गया कि ये लहर, इस लहर में जो कोरोना वायरस है उसको भारतीय रूप का नाम दिया जाए, लेकिन जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र के पास गया, WHO के पास गया, तो WHO ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको हम भारतीय किसी का नाम नहीं देंगे, ना भारत का नाम देंगे ना किसी का, इसका हम जो इसका साइंटिफिक नाम है केवल वही नाम देंगे। ये और उसके बाद ये खबरें चलनी शुरू हो गई, जैसे ये इंडियन कोविड वायरेंट वेरिएंट फाउंड इन 24 कंट्रीज, WHO, ये NDTV ने खबर चलाया था। उसके बाद से ये कहा गया कि इसको मोदी स्टैंड कहो, कांग्रेस ने अपने जो फ्रंट वर्कर हैं उनमें कहा गया कि यूज इंडियन स्ट्रेन हाउ आर टॉकिंग टू द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स में कॉल्ड इट मोदी स्ट्रेन, और ये लोगों ने कहा। अभी जो सोनिया फलेरियो हैं, द मोदी वेरिएंट हैज मेड इट्स वे टू बांग्लादेश, ईस्ट अफ्रीका एंड UK, प्रोवाइडिंग दैट लाइक इट्स नमस्ते, इट ऑल्सो रिफर्ड फॉरेन ट्रेवल टू स्टेइंग एट होम। देखिए, अब इस तरह से ये बदनाम ये कर रहे हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए कहा जाए कि अपने घर में रहो, ये भारतीय स्ट्रेन आ रहा है। INC वांटेड टू इंटायर वर्ल्ड टू हेट इंडिया एंड टू ब्लेम मोदी गवर्नमेंट टू करंट सिचुएशन, हेंस दे वांटेड यूज सच फ्रेज। उसके बाद इस तरह के फ्रेज उड़ते रहे, यूज फ्रेज लाइक स्ट्रेन, इंडियन स्ट्रेन, इवन वन WHO नेवर यूज दिस वर्ड एंड गेव डायरेक्टिव्स टू मीडिया अबाउट द सेम। WHO ने मीडिया से कहा था कि आप इसको इंडियन वेरिएंट या किसी देश के नाम पे नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर जो भारतीय मीडिया है उसने कहा, और कुछ जो फॉरेन मीडिया है उन्होंने भी इस बारे में कहा। अभी देखिए, एक चीज और कही गई कि जिसमें कुंभ मेला चल रहा था उसमें कहा गया कि कुंभ मेले को इसका दुष्प्रचार करो, बदनाम करो, कि कुंभ से जितने लोग निकले हैं वो सब कोविड
संक्रमित हैं और जो यहाँ से जा रहा है वो सब। लेकिन आज ही स्टडी आई है और इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी आई है कि कुंभ मेले का कोरोना पे कोई असर नहीं पड़ा, इसका प्रसार नहीं हुआ। अब इसमें जो इस तरह की चीजें हुई है, अब ये संजोग है या कांग्रेस ने जो टूलकिट बनाया था उसके हिसाब से नैरेटिव बनाया गया, तो खूब बदनाम किया गया। और उसमें एक चीज और लिखी गई है कि जब ये ईद आया, क्योंकि जैसे कुंभ खत्म हुआ उसके बाद अभी 13 मई को ईद थी, तो उसमें उसको ईद को ऐसा कहो कि यहाँ सोशल हार्मनी कैसे हो रही है। बहुत अच्छी बात है यार, ईद में सोशल हार्मनी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक धर्म को बदनाम करना और दूसरे धर्म को एप्रेस करना ये ठीक नहीं होता। सारे धर्म बराबर है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में हेट, जो दुर्भावना होती है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति दुर्भावना पैदा करो, ये ठीक नहीं। ये कांग्रेस का एक टूलकिट था और टूलकिट को इस तरह से चलाया गया। और देखिए किस तरह से खबरें चलाई गई। दिस साइंस, जो साइंस मैगजीन है, उसमें कहा गया कि कुंभ मेला शाही स्नान बिगेस्ट सुपर स्प्रीडर्स इन पैंडेमिक्स हिस्ट्री। ये भाई साहब कहते हैं सुपर स्प्रीडर, ये अल जजीरा ने कहा। और न्यूज न्यूज क्लर्क ने कहा COVID-19 महाकुंभ सिंगल लार्जेस्ट सुपर स्प्रीडर इवन रेजिंग वायरस फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया। और न्यूज 18 ने कहा 67 इयर्स ओल्ड कुंभ मेला रिटर्न्स बिकम सुपर स्प्रीडर इन्फेक्टेड 33 विद COVID-19 इन बेंगलुरु। और द वीक मैगजीन ने कुंभ मेला वॉज सुपर स्प्रीडर इवन इन इंडियन रिपोर्ट्स, ये कहा गया। अब देखिए जब कुंभ हुआ था, देखो कुंभ को क्यों रोका गया, कुंभ को इसलिए रोका गया कि लोगों को फैल रहा है। जो मीडिया यही लिखेगा ना कि कुंभ में जो लोग भीड़ हो रही है और भीड़ होने के कारण वहां कुंभ को जल्दी खत्म कर दिया गया समय से पहले, तो खबर लिखेगा। इसलिए मीडिया को 24 आवर बदनाम करना भी ठीक नहीं है। हाँ, जिस तरह से टारगेटेड, जैसे मिसिंग वाला भी आपको दिखाया, उस तरह से हो सकता है। तो इसलिए मीडिया को सिर्फ हमेशा बदनाम नहीं करना चाहिए। पर इसमें कुछ चीजें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के टूल किट के हिसाब से चीजें चल रही है। हिंदू फेस्टिवल को बदनाम करो, सुपर स्प्रेडर बताओ, ये उनके टूल किट में था। एंड कमेंट ऑन द ईद, दिस शोज दैट हेटर्ड टुवर्ड्स द हिंदू रिलीजन इवन लास्ट ईयर ड्यूरिंग तालिबानी जमात, दे ट्राई टू ब्रिंग एनालॉजी ऑफ तिरुपति टेम्पल टू अपियर द वोट बैंक, दिस शोज एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स ऑफ द कांग्रेस। इसके अलावा मोदी पर्सनल हाउस, जो मोदी का जो अभी सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री हाउस बन रहा है, उसमें कांग्रेस ने कहा कि इसको बदनाम करो कि ये जो है मोदी का पर्सनल है। आप देखिए इसमें अल जजीरा ने लिखा सेंट्रल विस्टा इंडिया मोदी ब्लास्टेड फॉर 2.8 बिलियन प्रोजेक्ट। वायर लिखते हैं कि एमिड हेल्थ क्राइसिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वर्क टू कंटिन्यू एज एसेंशियल सर्विस। फिर इसमें क्वार्ट्ज इंडिया ने लिखा है द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दैट बिकम्स ए सिंबल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एपैथी एमिड द कोविड। तो इस तरह से बदनाम किया गया सेंट्रल मिनिस्टर मोदी पर्सनल हाउस एंड हैव बीन आस्क्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मीडिया टू टार्निश इमेज ऑफ द मोदी लिंकिंग कोविड मिसमैनेजमेंट विथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट व्हाइल दे फॉरगेट द तुर्कमान गेट इंसिडेंट बाय द सेम पार्टी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी में तुर्कमान गेट को खाली कराया गया था। प्रोजेक्टिंग इंडियन यूथ कांग्रेस एज ए सेवियर। अब देखिए इसमें जो टूल किट में बताया गया कि युवा कांग्रेस को
बताओ कि वो जीवन बचाने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि युवा कांग्रेस ने काम किया और श्रीनिवासन को लोगों ने जाना, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पुलिस ने श्रीनिवासन को से पूछताछ की और भी लीडरों से जिन लोगों ने मुफ्त में दवाइयां बांटी या इंजेक्शन बांटे उनको पूछताछ के लिए बुलाया। और अब कांग्रेस का जो टूल किट आया है उसमें ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी कि स्कैरसिटी हो, हंगामा हो, बदनामी हो, हाहाकार मचे मार्केट में और उसके बाद युवा कांग्रेस लोगों की हेल्प करे, तो ये संजोग हो सकता है। लेकिन बीजेपी के ये आरोप है, कांग्रेस उसमें सफाई दे रही है। और इस तरह से देखिए कैसे ट्वीट हुए, अर्जेंट नीड ऑफ वेंटिलेटर बेड, पेशेंट्स नेम कुमकुम एज 46, डिजीज प्रॉब्लम कोविड पॉजिटिव। रोहन सिंह लड़ा, वन द हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स वुड बी रिटर्न, श्रीनिवासन वुड बी रिमेम्बर्ड एज द बिगेस्ट हीरो ऑफ दिस डार्क डेज। ठीक है, ये इस तरह से ट्वीट, चूंकि रोहन सिंह सरकार विरोधी है तो इसलिए सरकार ने उसे कई ट्वीट लिया, लेकिन रोहन सिंह क्यों, सब ने उसकी तारीफ की, हमने भी तारीफ की, जिन जिन लोगों ने जिन जिन उन्होंने हेल्प की उन सब ने उनकी तारीफ की। और तो इस तरह से ये एक इस तरह से ये चला। अब इसमें जब इस तरह से हंगामा हुआ और उसके बाद जब पूरे मीडिया ने चलाया कि ये बीजेपी ने एक कांग्रेस का कोई लीक किया है टूल किट, तो उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से 2-3 बयान आए। सबसे पहले जो उनके सेक्रेटरी हैं गौड़ा साहब, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये फर्जी है, ये बीजेपी ने खुद क्रिएट किया है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। और शाम को कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को चली गई और जिसमें कहा गया कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, मंत्री स्मृति ईरानी, पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए। इन लोगों ने देश में अशांति फैलाने और सांप्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई। राहुल गांधी ने उसके बाद ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी पे निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है, मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल पूछने वालों की गिरफ्तारी होती है उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में ना होता। कोरोना रोको जनता के सवाल है। हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं डॉक्टर के अग्रवाल। तो इस तरह से ये जो आप आज का टूल किट का मामला है वो इतना विवादित रहा और उसके लिए इतनी बड़ी राजनीति भी, अलग अलग बातें भी सत्ता पक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, जो भी हो मामला, लेकिन ये एक नैरेटिव लिखा जाता है। नैरेटिव कांग्रेस ने अपनी तरफ से नैरेटिव लिखा कि सरकार को बदनाम करो और सरकार को बदनाम करना उसका काम है क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी है। अब वो कहां तक सीमा रेखा तक जाएगी, कितना लक्ष्मण रेखा लांगेगी, ये कांग्रेस पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे देश में अपोजिशन को विरोध करने का अधिकार है। अब उसमें हमें देखना होगा कि क्या ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने खड़ा किया है, क्या उन्होंने वाकई कांग्रेस में खड़ा किया है, ये संजोग है या बीजेपी ने इन जो सीक्वेंस हैं उन सीक्वेंसों को जोड़ के एक नैरेटिव बना दिया है, एक टूल किट बना दिया जिसको कांग्रेस के नाम से वो प्रचार कर रही है। ऐसा एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रही है। लेकिन एक चीज बात इसमें देखनी होगी कि क्या इस देश में कोरोना के केस 4 लाख से ऊपर नहीं किए, क्या इस देश में लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए थे, लकड़ियां कम पड़ गई थी, क्या गंगा में शव नहीं बहाए गए, क्या हॉस्पिटलों के बाहर लोग तड़पते नहीं मरे, क्या लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर नहीं मरे, क्या हॉस्पिटलों में जगह थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो ये साबित करते हैं कि हम बहुत गहरे संकट से गुजर रहे हैं, कमियां हैं, लोग मर रहे हैं,
लेकिन एक दूसरा तरफ सवाल भी उठता है कि जो अपोजिशन होता है वो अपोजिशन जिम्मेदार होता है, अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ऐसे संकट के समय राजनीति करने के बजाय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलकर चलना चाहिए। तो अब इसमें कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की है, वो कहते हैं कि हम एफआईआर लॉन्च कराएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल मामलों में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आगे एवरीबॉडी खबर तरफ ग्रीटिंग्स फ्रॉम बढ़ते हैं हार्ट केयर और आते फाउंडेशन हैं ऑफ इंडिया। कोरोना की मैं तरफ। डॉक्टर के क्या आज आप देख रहे होंगे कि हमारे पिक्चर अभी बहुत ही बाकी प्रिय है, द डॉक्टर केके शो अग्रवाल मस्ट की गो ऑन। का देहांत हो गया और आई मरने से रिप्रेजेंट द पहले भी कलेक्टिव उन्होंने एक वीडियो कॉन्शियसनेस डाला। ऑफ द मेडिकल सुनिए वो प्रोफेशन, खुद क्या कह रहे हैं। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड, आई एम हैविंग शो कोविड मस्ट बी निमोनिया गो विच इज ऑन, प्रोग्रेसिव, राज कपूर का बट इवन बड़ा देन फेमस रिमेम्बर डायलॉग राज कपूर्स वर्ड, द कि शो दुनिया मस्ट आती गो है जाती ऑन, है, लोग आएंगे जाएंगे, पिक्चर लेकिन अभी बाकी शो है। चलते रहना चाहिए। और People डॉक्टर used के to अग्रवाल ने भी consider यही him as the कहा, शो showman, भी but he चलते was रहना not a चाहिए। वो बीमार showman. He है, was the उन्होंने, most practical मैं man on उनको 30 साल earth. से जानता हूं, The एक show फोन must की go कॉल on. पर वो हमेशा मदद करने के लिए मेरे उपलब्ध जैसे रहते थे। लोग और किसी भी साधारण आदमी को, ऑक्सीजन पे मोचन भी हॉस्पिटल क्लासेस में डॉक्टर लेंगे थे, और कोई लोगों को बचाने भी की आदमी कोशिश वहां चला जाए करेंगे। वो हर आदमी की मदद That's करते थे what he और represent the रोजाना collective लोगों को consciousness of the उनकी क्लास society. लेते थे, उनको फ्री I में am not KK Agarwal. I am the उनकी medical काउंसलिंग करते थे। professional. और जब से कोरोना हुआ तब से The तो उन्होंने show न जाने must कितने go लोगों की इलाज on. किया, Our job ऑनलाइन is क्लास लेते to थे, ऑनलाइन वो shift to जुगाड़ू ओपीडी. जुगाड़ू ओपीडी is आप 100 गूगल पेशेंट को मीट इकट्ठे के बुलाइए जरिए या एक जूम ही के जरिए प्रकार के लोगों की सिम्टम्स के, ओपीडी करते थे, लोगों के सवाल जवाब देते लॉस थे। ऑफ बहुत स्मेल, सारे लॉस लोगों को ऑफ उन्होंने ठीक टेस्ट, किया, तो उनको लेकिन 15 मिनट में खुद कंसल्टेशन वो देके भेज दीजिए. कोरोना संक्रमण के से युद्ध के आप माइल्ड से केसेस को खुद इकट्ठे हार गए, बुलाइए, वो कॉन्टेक्ट्स एम्स को में इकट्ठे एडमिट थे। बुलाइए, लेकिन और वन टू वन कंसल्टेशन करने का उसके बाद समय चला उन्होंने गया कल है. रात को 11:30 बजे देर इज अंतिम नो सांस ली। टाइम फॉर वन इज टू वन एक प्रिय कंसल्टेशन. डॉक्टर जिनको हैव हंड्रेड पद्मश्री अवार्ड पीपल मिला, उनको टूगेदर बीसी रॉय अवार्ड ऑफ मिला, न जाने सिमिलर कितने अवार्ड सिम्टम्स मिले, एक एंड गिव अंतर्राष्ट्रीय देम ए स्तर के ज्वाइंट डॉक्टर। कंसल्टेशन. और सबसे वाई द बड़े शो समाज मस्ट सेवी थे गो इन्होंने, ऑन. हेल्थ हमें केयर इस फाउंडेशन क्राइसिस बनाया से बाहर लोगों इन्होंने। को निकालना है, लोगों को और निकालना है. अगर सबसे आप पहला अपना स्वास्थ्य ध्यान मेला, रखेंगे तभी हम स्वास्थ्य मेले की अपना उन्होंने कल्पना की ध्यान कि रख और तो बहुत पाएंगे सारे किसी मेले के होते, साथ में. लेकिन तो स्वास्थ्य आई मेला होना ऑलवेज चाहिए जहां लोगों से को द शो मस्ट गो ऑन. हेल्थ के सारे बारे में डॉक्टरों से ट्रेनिंग दी मेरी जाए, रिक्वेस्ट तो है, वो भी चलता सौ था। सौ पेशेंट्स का ग्रुप और बनाएं, समाज इकट्ठे सेवा इनका एक ही जूम पे इनका उद्देश्य था बुलाएं, कि समाज की सेवा उन्होंने किया। इकट्ठे देखे हूँ. आप बोल डॉक्टर सकते हैं कि के जिनकी अग्रवाल उम्र को 12 मेरी साल से कम श्रद्धांजलि, है, मैं उनको शाम नमन को करता 4 बजे हूँ। और मैं चूंकि मेरा ओपीडी इकट्ठी व्यक्तिगत उनसे देखूंगा. संबंध था, 15 मिनट में आप जब सौ मैं लोगों दिल्ली आया को था, आप समझा मैंने सकते हैं. पत्रकारिता शुरू की सो थी, देयरफॉर आई तो डॉक्टर ऑलवेज के अग्रवाल से से ही द मेरा शो पाला मस्ट पड़ा। गो ऑन और अकॉर्डिंग टू द वो उस समय शुरू शुरू में सर्कमस्टांसेस. उन्होंने हेल्थ केयर कन्वर्ट योर फाउंडेशन ओपीडी बनाया था, इन टू ए उनके साथ जुगाड़ू डॉक्टर ओपीडी चोपड़ा एंड थे लोगों को और ठीक करो. एक और डॉक्टर थे जो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। इन्होंने मिलकर हेल्थ केयर फाउंडेशन बनाया था और उसके बाद इन्होंने लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। आज कोरोना के केस कम हुए हैं लेकिन मृत्यु दर ज्यादा हुई है। बीते 24 घंटे में कुल 2,81,000 केस आए। ये तीसरा दिन है जब 3 लाख से नीचे केस आ रहे हैं। अभी हमारे केस 4 लाख से ऊपर चले गए थे लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। और जो केस है कल तो और भी कम थे, 273 के आसपास थे, आज 281 हो गए। लेकिन ये खुशी की बात है कि 3 लाख से नीचे। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 3,78,000, 2,81,000 आए और 3,78 ठीक हुए। मतलब हमारे पॉजिटिविटी रेट, पॉजिटिविटी इन द सेंस की ठीक होने वालों का रेट ज्यादा है। 24 घंटे में जो लोगों की मौत हुई है, करीबन 4,100 लोगों की मौत हुई है, ये थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है। और पिछले एक हफ्ते में 4,000 से ऊपर लोग मर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,50,00,000 हो गया है। जो टोटल संक्रमित हुए हैं, जो ठीक हो गए हैं और जो मर गए हैं, सब मिला के 2,50,00,000। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,11,00,000। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 27,00,000। सॉरी, 2,74,000 जो अभी तक जो लोग मरे हैं हमारे देश में, वो 2,74,000 मरे। भारत में कोरोना के अब तक कुल एक्टिव केस, जो आज एक्टिव केस है, वो लगभग 35,16,000 है। और कुल वैक्सीनेशन 18.5 लाख, 18,29,00,000 वैक्सीनेशन हो गया। तो ये एक आपको ब्रीफ है
और इस ब्रीफ से मैं आपको थोड़ा सा एक आपको इसका प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ जो आज सरकार ने बनाया। देखिए किस तरह से ये हमारा ग्राफ चल रहा है। जो ये हरा रंग है ये रिकवर्ड लोगों का है जो ठीक हो गए, और जो नीला रंग है ये एक्टिव केस है जो अभी है, और जो लाल रंग की जो लाइन है ये डेथ केस है जो लोग मर गए। तो देखिए जो रिकवर्ड लोग हैं उनकी संख्या 2 करोड़ 15 लाख हो गई। 2 करोड़ 15 लाख लोग आज तक ठीक हो गए, यानी 85% लोग ठीक हैं। 13% लोग जो एक्टिव है इसमें, एक्टिव कोरोना वायरस है, और फैटलिटी जो फैटलिटीज हैं, फैटल जो केस है वो 1.1% है, यानी 2,78,000 लोग मरे हैं। और जो मरने वालों का आंकड़ा है, देखिए ऊपर से ये जो आंकड़ा गया 80% जो लोग मर रहे थे, लगभग संख्या ज्यादा थी, वो अब यहाँ आगे कम हो गई है। बल्कि 18 फरवरी को तो बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन 18 मार्च के बाद फिर आंकड़ा बढ़ा और फिर ये आजकल बढ़ गया, लेकिन अभी 2 दिनों से मामूली हिसाब से सुधार है। डेली न्यू केस एंड डेथ केस, जो नए केस आ रहे हैं, देखिए जो 8 मई से 10 मई के बीच में 4-4 लाख केस आ रहे थे, अब उनकी संख्या घट के आज 2,83,000 पे आ गई है। और जो डेली मरने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, वो आज आज बहुत ज्यादा केस आ गए, 4,329, 4,329 लोग आज एक दिन में मरे हैं। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा डराने वाला है, चिंताजनक है। इसके अलावा जो रिकवरी है, ये रिकवरी आप देखिए कि जो डेली केस है, डेली जो केस आ रहे हैं 4,82,000 केस, उसमें से ये 4,82,000 टोटल केस थे, उसमें से जो आज केस आए हैं 2,83,000 आज नए केस आए हैं, और डेली जो रिकवर हुए हैं वो 4,22,000 केस हुए, यानी ये लेटेस्ट आंकड़ा है। 2,63,000 लोग नए केस आए हैं और 4,22,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री, जो टेस्टिंग हो रहा है लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और जो डाटा 17 मई तक का बता रहा है कि 4 से 10 मई के बीच में 1,81,00,000 लोगों के टेस्टिंग हुए और 11 से 17 मई के बीच में 1,84,00,000 लोगों के टेस्टिंग हुए। डिक्रीज इन केस पॉजिटिव बीइंग नोटेड सिंस लास्ट 1 वीक, पहले जो परसेंटेज था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 21%, कहीं कहीं तो 32-33, इवन गोवा में 48% तक चला गया था, अब वो घट के 16% एवरेज हो गया। कुछ राज्यों में ज्यादा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड टिल डेट ग्लोबल कंपेरिजन, अगर हम ग्लोबल कंपेरिजन करें तो यूएसए में 10% लोग संक्रमित हैं, भारत में 1.8% लोग संक्रमित हैं, ब्राजील में 7.3, फ्रांस में 9%, टर्की में 6%, रशिया में 3, इटली में 7, जर्मनी में 4, अर्जेंटीना 7 और कोलंबिया में 6%। तो हमारे देश में लोएस्ट, हमारे देश में इसमें, पर चूंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए नंबर ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए जो सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं वो कर्नाटका में है, कर्नाटक में जो एक्टिव केस है वो 6,03,000, महाराष्ट्र में 4,48,000, केरला में 3,62,000, तमिलनाडु में 2,31,000, आंध्र प्रदेश में 2,11,000,
राजस्थान में 1,76,000, उत्तर प्रदेश में 1,50,000, वेस्ट बंगाल में 1,31,000। तो जो मोर देन 1,00,000 एक्टिव केस 8 स्टेट में है, 50,000 से 1,00,000 के बीच में एक्टिव केस वो 10 राज्यों में, और 50,000 से कम 18 राज्यों में। तो ये पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, सुधार होता जा रहा है। अब देखिए जो इंडिया स्नैपशॉट केस पॉजिटिविटी 4 स्टेट्स, 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेट अभी 25% से आगे। सबसे ज्यादा आप देखिए लक्षद्वीप में 66.7%, मतलब वहां ज्यादा कोरोना फैला। गोवा में 48% था, वो घट के 37% हो गया। पुडुचेरी में 37, वेस्ट बंगाल में 31, कर्नाटक में 31, केरल में 27 और सिक्किम में 26%। हिमाचल प्रदेश में 24, तमिलनाडु में 24, राजस्थान में 24, आंध्र प्रदेश में 24, उड़ीसा में 23, चंडीगढ़ में 23, हरियाणा में 21, मणिपुर में 19, उत्तराखंड में 19, मेघालय 17, जम्मू कश्मीर 17, महाराष्ट्र 15, मध्य प्रदेश 15। ये पॉजिटिविटी रेट है, मतलब यहाँ 100 लोगों पे इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसमें देखिए जो बड़ी बात है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जहाँ लोग बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, बहुत ज्यादा चल रहा था, अब वहां संख्या देखिए किस तरह से कंट्रोल हो गया। महाराष्ट्र में केवल 15% रहेगी पॉजिटिविटी रेट और मध्य प्रदेश में 15%। अब देखिए जो स्टेट विथ डिक्लाइन इन केस एंड डिक्लाइन इन पॉजिटिव इन पॉजिटिविटी, महाराष्ट्र में जो एक समय 25.5 पॉजिटिविटी रेट चला गया था और 4,45,000 केस आ रहे थे, अब वहां घट के रह गए हैं 2,66,000 केस, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट के 15.9% रह गया। उत्तर प्रदेश में जो 21 से 27 अप्रैल में वहां केस बहुत तेजी से बढ़े, 16% पॉजिटिविटी रेट थी और 2,40,000 एक्टिव केस थे, अब वहां घट के वो 1,04,000 रह गए, लेकिन उनकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 16 से घट के 7 में आ गई। ऐसे बिहार की बात करें तो वहां 83,000 लोग एक्टिव केस थे और अब जो घट के 56,000 रह गए, वहां पॉजिटिविटी रेट 14.3% था जो अभी घट के 7.4% रह गया। दिल्ली में जो बहुत तेजी से केस बढ़े थे, 1,70,000 केस हो गए थे, 34% पॉजिटिविटी रेट हो गया था, और अब जाके वो 62,000 यहां केस रह गए हैं और 13% पॉजिटिविटी रेट रह गया, मतलब 34 से घट के 13% पर आ गया। ऐसे मध्य प्रदेश में 34% पॉजिटिविटी रेट था, भी घट के 15% रह गया। जो 91,000 केस आ रहे थे अब वो 55,000 रह गए। चंडीगढ़ में वहां पे बुरी हालत थी, 34% था, अभी घट के 11% रह गए, और जो 1,08,000 वहां केस आए थे अभी वहां 55,000 केस आ रहे। स्टेट विद रेज इन केस एंड डिक्लाइन इन पॉजिटिविटी रेट, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये कुछ राज्य हैं जिनमें स्टेट में रेज इन केसेस एंड डिक्लाइन इन पॉजिटिविटी रेट। केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट ठीक है लेकिन केस बढ़ रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 1,38,000 केस थे वो बढ़ के 1,51,000 चले गए, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट था वो 26% से घट के 24% हो गए। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 1,31,000 केस थे जो बढ़ के 1,29,000 केस हुए और पॉजिटिविटी रेट 34 से घट के 31 पे आ गई। उड़ीसा में जो 73,000 केस थे वो बढ़ के 78 हो गए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 24% से घट के 23 रह गई। इसी तरह से असम में केस बढ़ के 24,000 से बढ़ के 36,000 हुए और पॉजिटिविटी रेट 15 से कम हो गए, 13 हो गई है। पुडुचेरी में 10,000 के केस बढ़ के 13,000 हो गए हैं और पॉजिटिविटी रेट वहां 45% से घटकर 37% रह गई है। इसी तरह से नागालैंड में 1,800 के मामले बढ़ के 2,000 हुए और पॉजिटिविटी रेट वहां 22% से घटके 21% रह गया। स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट शोइंग डिक्लाइन इन केस सिंस 2 वीक,
दो हफ्ते में कितने जिलों में जो डिक्रीज है वो है, लग अंडमान निकोबार के 3 जिले उनमें से एक में कम हुआ है, अरुणाचल के 3 जिलों में डिक्रीज हो रहा है, बिहार के 18 जिलों में डिक्रीज हो रहा है, छत्तीसगढ़ के 10, दादर नगर हवेली के 1 और दिल्ली के 11 में से आठ जिलों में कम हुआ है, गुजरात के 33 में से 8 जिलों में कम हुआ है, हरियाणा के 22 में से 2, जम्मू कश्मीर के 20 में से 1 जिले में डिक्लाइन हो रहा है, झारखंड के 24 में से 8 में डिक्लाइन हो रहा है, कर्नाटक के 30 में से 1, केरल का 24 में से 2, लक्षद्वीप का 1 है, तो एक में ही पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 52 में से 33 रह गया है, मिजोरम में 11 में से 2 रह गए हैं जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, पुडुचेरी में 4 में से 1, पंजाब में 22 में से 1, राजस्थान में 33 में से 6, तेलंगाना में 33 में से 27 जिलों में अभी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 39 में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, ये थोड़ा चिंता की बात है, और पश्चिम बंगाल में 23 में से 2 में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। अब आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट शोइंग कंटिन्यू डिक्लाइन इन केस एंड पॉजिटिविटी सिंस लास्ट 3 वीक। पुणे महाराष्ट्र में किस तरह से देखिए कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है और जो केस है कैसे घट रहे हैं। पुणे में 17 अप्रैल को 77,000 केस थे जो अब घट के 57,000 पर रह गए, पॉजिटिविटी रेट भी उनका 20% पे आ गया जबकि उनका 32% चला गया था। नागपुर में 51,000 केस थे, अभी 20,000 केस रह गए और पॉजिटिविटी रेट भी 60 से घट के 19 पे रह गई। तो इसी तरह से नासिक में, महाराष्ट्र में, लखनऊ यूपी में, यहाँ की बात करनी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लखनऊ में बहुत बुरी स्थिति थी और वहाँ अस्पतालों में जगह नहीं थी और जो वहाँ का सौदागृह है शमशान भूमि में जगह नहीं थी, वहाँ इस तरह से केस आ रहे थे, तो बहुत उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल किया और 19% जो वहाँ पॉजिटिविटी रेट थी और 99,000 केस हो गए थे, लगभग 1 लाख केस थे, अभी उनकी संख्या घट के 8,000 पे रह गई है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रुख है उनकी, जो उन्होंने वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, लॉकडाउन लगाया, उसके कारण राज्य सरकार को ये फायदा मिला। सूरत गुजरात में यहां भी यही स्थिति है, पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे 4% से जो घट के अब 2% हो गई है और जो केसेस थे वो 16,000 से घट के 7,000 हो गए। देखिए किस तरह से वहां पे प्रोग्रेस किए। इसी तरह से बनारस में 13,000 केस घट के 5,000 पे रह गए और जो उनकी पॉजिटिविटी रेट है वो उनकी 35 से घटकर 9 पे रह गई है और ग्वालियर में 39% से घट के 17% पर और केस भी 8,000 से घट के 4,000 पे रह गई है और रायपुर में जो पॉजिटिविटी रेट था वो 44% था जो घट के 17 पे आ गया है और केस भी 26,000 से घट के 4,000 पे आ गया। तो ये एक पॉजिटिव इनका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम अब देखिए जो कुछ जिले ऐसे हैं जहां केस बढ़ रहे हैं 3 हफ्तों में बढ़े हैं, इनमें मलप्पुरम केरला जहां 26,500 केस थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते बढ़ के 31,000 हो गए, पॉजिटिविटी रेट भी 31% से बढ़ के 37% हो गई। कोल्लम में केरल के 19% थी जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ के 26% हो गई है और केस भी 14,000 से बढ़ के 20,000 हो गए हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पॉजिटिविटी रेट 24% से बढ़ के 36% हो गई है और 11,000 केस बढ़कर 18,000 हो गए।
चेंगलपट्टू तमिलनाडु में पॉजिटिविटी रेट 18% से बढ़कर 26% हो गई है और वहां पे 12,000 से केस बढ़कर 15,000 हो गए। इसी तरह से अनंतपुरम जो आंध्र प्रदेश का है वहां 29% से बढ़ के पॉजिटिविटी रेट 40% हो गई है और 12,000 केस बढ़कर 14,000 हो गए। बेलारी कर्नाटका में पॉजिटिविटी रेट 42% से बढ़कर 45% हो गई है और केस वहां 7700 से बढ़ के 11,700 हो गए। YSR आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 16% से बढ़ के 31 हो गई, सीधा जस्ट डबल हो गया आंध्र प्रदेश में, और 6,000 जो केस थे वो बढ़ के लगभग 11,000 हो गए। पुडुचेरी में जो 43.7% पॉजिटिविटी रेट थी वो बढ़ के 47.39 हो गई है और वहां जो केस थे 7,500 केस बढ़ के 10,000 केस हो गए। ये थोड़ा सा डराने वाला आंकड़ा है। अब थोड़ी सी कोविड वैक्सीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसकी जो कवरेज हुई है 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के जो फर्स्ट डोज है वो 11 करोड़ 23 लाख लोगों को लग चुकी है, सेकेंड डोज 2 करोड़ 72 हजार लोगों को लग चुकी है, टोटल 13 करोड़ 45 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है जो 45 साल से ज्यादा के लोग हैं। और जैसे ये आपके स्क्रीन पर है कि फर्स्ट डोज ज्यादा लोगों को मिला है, सेकेंड डोज थोड़ा कम लोगों को मिला है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 97 लाख लोगों को टीका लग चुके हैं जिसमें से 0.66 करोड़ यानी 66 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगा है और टोटल 1 करोड़ 63 लाख लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 1 करोड़ 45 लाख लोगों को टीका लगा, सेकेंड डोज 42 लाख लोगों को लगा, टोटल 2 करोड़ 27 लाख लोगों को टीका लगा। पीपुल्स एज 18 से जो 44 साल के लोगों की बात आ रही है युवाओं की, उनमें करीबन 60 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, फर्स्ट डोज 60 लाख लग चुकी है और सेकेंड डोज चूंकि उनका अभी 7 ही आया, सरकार ने उसका प्रोटोकॉल बढ़ा दिया है, जो अभी सेकेंड डोज लगेगी अब वो 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी, पहले वो 8 हफ्ते बाद लग जाती थी, 6 से 8 हफ्ते बाद, अब वो बढ़ के 12 से आपके 16 हफ्ते के बाद लगेगी। तो फ्रंट लाइन वर्कर में इतना है, जो यंग है उनको थोड़ी चिंता की सेकेंड डोज देने लगी। तो टोटल आज तक हमारे देश में 14 करोड़ 24 लाख लोगों को पहली डोज लगी, 4,20,000 लोगों को दूसरी डोज लगी और टोटल आज तक 18 करोड़ 44 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाए। प्रशासन ने लोगों से बात की, आज भी उन्होंने बात की, जिला मजिस्ट्रेटों से कहा था कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक तो आप ही हैं, आप ही को काम करना है और इस तरह से हम लोग इस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि 4 लाख के केस कम से कम 2,80,000 पे तो आए, तो ये फिर चिंता की बात है। इंटरवेंशन विद सपोर्ट इंडियाज बैटल अगेंस्ट कोविड 19 रिमेन्स द सेम, 2 गज की दूरी, यूज मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये 3 चीजों पे बात। तो 2 गज की दूरी बिल्कुल सही है लेकिन जो प्रैक्टिकल आप फिजिकल डिस्टेंस कर रहे हो वो ठीक है लेकिन इसको कभी भी सामाजिक दूरी मत कहिए। सामाजिक दूरी कहने का मतलब हो रहा है कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोज रिलेशन भी मरीज को देखने नहीं आ रहे हैं, अगर वो मर जा रहे तो उसको उसको समुदाय में भी नहीं आ रहे, तो इसलिए उसको सोशल डिस्टेंसिंग मत कहिए, उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए, आप नजदीक मत बैठिए। तो इसके अलावा अब मैं आपको एक और पॉजिटिव खबर की तरफ लेके जाता हूं। आज
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ी अच्छी पहल की है और इसको मानना पड़ेगा। ये मान केजरीवाल जी को ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो लोग कोरोना के कारण जिन लोगों की जान गई है, 50-50 हज़ार रुपये उन लोगों को, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा। और इसके साथ ही उनके परिवार में कम से कम लोग उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में काम करने वाले लोग की मौत होती है तो उसे परिवार को हर महीने 2500 2500 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात, 50 हज़ार रुपये आपने एक उनको मुआवजा दे दिया और उसके बाद 2500 2500 रुपये उनको आप महीना देते हैं पेंशन। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिन लोगों के घरों में वो लोग मर गए हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं रहा, तो उनको 2500 रुपये देना जरूरी है। जिस घर में किसी बच्चे के माता पिता की कोविड से मौत हो गई है उनको उनको 2500 रुपये का पेंशन तथा 25 साल की उम्र तक बच्चे को दिया जाएगा, बच्चे को पढ़ाई का खर्च देने से करो, मतलब 25 साल तक उस बच्चे को 2500 रुपये पेंशन मिलेगी और पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 किलो फ्री राशन देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिना कार्ड वाले लोगों को, बिना जिनके पास कार्ड नहीं है उनको मुफ्त में राशन दिया जाएगा। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक पॉजिटिव खबर है कि दुनिया भर में जो लोग हैं जो जिनको जिनको कोरोना हो रहा है उनकी संख्या कम हुई है। जो 8 लाख तक चली जाती थी आज ये पहली बार 6 लाख से नीचे आया है। अभी तक 6 लाख से ऊपर ही था, 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में। तो जो आज केस आए हैं वो 5,15,000 आए हैं। देखिए 6 लाख से कम आ गए, वरना कल ही 6,80,000 के आसपास मामले आए थे और मरने वालों की संख्या भी 11,000 हो गई है, जबकि ये कल उनकी संख्या लगभग 13,000। तो ये एक अच्छा संकेत है। और यूनाइटेड किंगडम में या सॉरी अमेरिका में केवल 17,000 मामले आए। देखिए उन्होंने किस तरह से टैकल किया, 302 लोग मरे जिनकी संख्या 2-2,500 चली जाती थी और अभी भी रोज करीबन 8,000 लोग मर रहे थे, 800 लोग मर रहे थे, वो कम हो गए 300 लगे। भारत में थोड़ी चिंताजनक बात है, हालांकि पहले से कम हुए हैं लेकिन अभी भी चिंता है कि 2,83,000 लोग आ रहे हैं और आज 4,329 लोग मरे हैं, 4,329 लोग मरे हैं। ब्राजील में 40,000 केस आए हैं, 1,036 लोग मरे हैं। यूके जरूर देखिए, यूके में किसी ने उन्होंने कंट्रोल किया, जो केस 2,25,000 थे आज वो घट के 2,000 से नीचे आ गए, मरने वालों की संख्या भी सिर्फ 5 हो गई। तो मित्रों ये जो आपको मैंने एक ओवरऑल एक पिक्चर दिखाई है, आपको कैसा लगा मुझे जरूर सुझाव दें, कमेंट करें, जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते मेरी शिकायत रहती है, और आप ये भी बताएं कि मैं आपके लिए और कैसे प्रोग्राम बनाऊं। तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग मुझे उत्साह बढ़ाइए। मैं इसी तरह से आपको एनालिसिस देता रहूंगा।